हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि डिफेंस आप सभी को थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के कट ऑफ की ऊपर। जी हाँ डिफेंस, फाइनल कट ऑफ आखिर आप लोगों का क्या रह सकता है। बहुत से कैंडिडेट की डिमांड आ रही है, कमेंट करते हैं कि सर प्लीज हम लोगों का रिजल्ट कब तक आ सकता है, इसके बारे में कुछ बताएं और कट ऑफ किया जा सकता है बताइए। तो डेफेंस आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, आपको सब पता चल जाएगा कि आखिरकार क्या रह सकता है आप लोगों का कट ऑफ। बट डेफेंस यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको अभी सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो के बाजू में आपको दिख रहा होगा बेल आइकन, उसको प्रेस कर दें, दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। और हाँ जी दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आती है तो इसको अभी लाइक करें एंड अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कट ऑफ स्टेट वाइज। लेकिन इससे पहले डियर फ्रेंड्स हम कुछ मार्क्स देख लेते हैं। बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए हैं कि मतलब उनके कितने सही हुए हैं कितने गलत हुए हैं। जी डियर फ्रेंड्स आपको बता दें, सेकंड चैनल पे आपका सर्वे हुआ था जिसमें सभी लोगों ने कमेंट करके अपने नंबर शेयर किए, बताया है कि किसके कितने आए हैं आपकी पोस्ट वाइज। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं कमेंट्स बॉक्स पर और देखते हैं एक एक करके आखिर बच्चों ने किस टाइप के आपके मार्क्स बताए हैं, उस आधार पर हमने कट ऑफ तैयार किया है। तो डेफेंस हम आ गए कमेंट्स बॉक्स पर और कमेंट देखिए दोस्तों कि किस टाइप से उन्हें कमेंट किए हैं कि आखिर क्या क्या उनके मार्क्स आए हैं। दोस्तों आपको बता दें कुछ बच्चों ने कमेंट पोस्ट पैन होने के ऊपर भी किया है, मतलब कि उनकी डेट चेंज हो गई, उनका पेपर कब है। तो दोस्तों देखिए कुलदीप चौहान जी कमेंट करते हैं, सर आई अटेम्प्ट 47 क्वेश्चन 38 करेक्ट एनी चांस सर। और यहाँ पे सर मेरा 20 सितंबर को नेवी MR का पेपर हुआ था, अब रिजल्ट कब आएगा। जी डेफेंस बहुत से बच्चे रिजल्ट को लेकर बहुत चिंतित हैं और बोल रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा। देन इसके बाद यहाँ पर सर क्या पासिंग मार्क्स सब्जेक्ट में फोन नंबर होने चाहिए प्लीज रिप्लाई, इसके बारे में बताएंगे। सर अभी हमारा नहीं हुआ, 26 को RSSR का है और MR के 27 को है। दोस्तों इन्होंने बताया कि इनका कब है। अब जैसे थोड़े आगे बढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पे पंकज ठाकुर कमेंट करते हैं, सर 39 इन अटेम्प्ट इन MR 24 इज करेक्ट 15th डाउट में है, UP से है। यहाँ पर 65 अटेम्प्ट 63 राइट आंसर नेवी SSR UP 92 वाले हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट है देवीदास जी का, यहाँ पर SSR में मैंने 88 क्वेश्चन किए हैं और 69 इज फुली करेक्ट। जी दोस्तों यहाँ पर अनिल जाधव क्या कमेंट करते हैं, हाउ टू सी द रिजल्ट ऑफ AA and SSR एग्जाम BGATE I1 लॉगिन 18 लॉग इन। चलिए फ्रेंड्स और आगे बढ़ते हैं और दोस्तों ने कैसे कमेंट्स किए हैं वो देख लेते हैं। दोस्तों जैसे ही थोड़े और आगे आएंगे तो यहाँ पर अभिषेक राजपूत जी कमेंट करते हैं, MR में 43 करेक्ट है सर। नेक्स्ट AS यादव करते हैं, SSR और AA में क्वेश्चन फुल फॉर्म। तो डिफ्रेंस ये लंबा है, हम नहीं पढ़ रहे, यहाँ पे देख लीजिए, आई एम फ्रॉम राजस्थान से, मैंने 45-50 बिल्कुल सही, एक क्वेश्चन याद है, मैंने 70 किए हैं। तो दोस्तों अब और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किसने क्या कमेंट किया है। डियर फ्रेंड्स मेरा कमेंट बताने का रीजन यही है ताकि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो सके कि बच्चों ने कितने अटेम्प्ट किए हैं। जी दोस्तों जिससे आपका कट ऑफ का आप अनुमान लगा सके कि हाँ इतना जाता है जो मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे अटेम्प्ट 40 करेक्ट 20 में फ्रॉम AP है ना। अगला कमेंट है 65 अटेम्प्टेड 58-62 में भी करेक्ट। एंड फ्रेंड्स सर 72 अटेम्प्टेड 35-40 एक्सपेक्टेड मार्क्स प्लेस कोलकाता, सर कट ऑफ बताओ यहाँ का। तो डिफेंस वेट कीजिए, वही बताने वाला हूँ। एंड डिफेंस थोड़े और आगे आ गए तो यहाँ पर गोरख राख क्या है जी करते हैं कमेंट कि मैंने 42 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, मैं 30 से ज्यादा मार्क्स आएंगे। एंड डिफेंस थोड़े और आलफानी वीडियो यहाँ पर 20 डेट यहाँ पर डेट के बारे में बताया है। भानु प्रकाश जी क्या कमेंट करते हैं, सर आई अटेम्प्टेड 80 क्वेश्चन अराउंड 40-50 आई विल गेट एंड आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड व्हाट इज माय स्टेट का टॉप सर। तो डेफेंस मैं आपको बताऊंगा, आप वेट कीजिए। एंड डेफेंस थोड़े और आगे बढ़ेंगे तो आकाश यादव, सर 45 बिटवीन 50। और आगे बढ़ेंगे यहाँ पर योगेश बलोदा जी कमेंट करते हैं, MR ने भी 37 बिल्कुल सही है, 2 में डाउट है, 2 में इनका डाउट है और इन्होंने 41 अटेम्प्ट किए हैं। तो दोस्तों इन्होंने 41 अटेम्प्ट किए हैं, 2 में डाउट है और इनके 37 बिल्कुल सही ही बोल रहे हैं।
नेस्ट है आपका सर, हरियाणा की एमआर की कट ऑफ रहेगी सर, प्लीज रिप्लाई। तो डिफेंस बस आप लोग वेट कीजिए, आगे मैं वही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बस आप इतना ही रहने देते हैं दोस्तों के कमेंट, अब हम चलते हैं कट ऑफ के ऊपर और आखिरकार आपका रिजल्ट कब आ सकता है, इन सभी चीजों को देखने के लिए लास्ट कमेंट और देख लेते हैं कि सर अर्नब कुमार क्या कहते हैं, सर स्टेट वाइज कट ऑफ कितना रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आपका कट ऑफ। तो डियर फ्रेंड्स हम आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड में और आप देख पा रहे होंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि संभावित, आप भी जानते हैं और सब जानते हैं कि कट ऑफ कोई एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं बता सकता कि मैंने 10 बता दिया तो बिल्कुल 10 आना 100% है। दोस्तों अराउंड हर कोई बताता है, मतलब कि एक्सपेक्टेड का मतलब है संभावित, आपके एक से दो नंबर का हेर फेर आपको देखने को मिल जाएगा, आपको पहले ही बता दें, क्योंकि ऐसा नहीं है एग्जैक्ट कट ऑफ तो कोई बता ही नहीं सकता आपसे। बिल्कुल बड़े आराम से आप देख लेना, एक से लेकर दो नंबर हेर फेर आराम से हो जाता है, बट जे है कि वहाँ बाउंड्री हम टच कर लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स आप सभी के कमेंट्स को देखने के बाद आपने देख लिया होगा, मैंने प्रूफ भी दिखाया है, एंड आपके पेपर का लेवल देखने के बाद, मतलब कि आपका पेपर कैसा था आप भी जानते हैं, मॉडरेट टू कितना, जी दोस्तों आपका कठिन था, मॉडरेट टू हाई, ना कि इजी। इजी बिल्कुल नहीं था आप लोगों का पेपर, आपने पेपर दिया है तो आपको भली भांति पता होगा सरल बिल्कुल नहीं था। हाँ एक दो क्वेश्चन यदि इजी आ जाते हैं तो हम इजी नहीं बोल सकते उसको, है ना डियर फ्रेंड्स। और दोस्तों आपको बता दें हम एमआर के डिस्कस करने जा रहे हैं, तो हमने यहाँ पर टॉप 5 स्टेट को लिया है जी दोस्तों, क्योंकि अभी हम पूरे स्टेट को कवर नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो की लेंथ हो जाएगी बड़ी। तो फर्स्ट स्टेट है आपका दोस्तों राजस्थान। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर पहले तो हम लास्ट टाइम के डिस्कस कर लेंगे और प्रेजेंट में क्या जा सकता है आपका फाइनल कट ऑफ वो बताएंगे। तो डियर फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कल लास्ट टाइम का आपका कट ऑफ गया था कितना, राजस्थान का 29.25 जे है लास्ट टाइम का फाइनल कट ऑफ। तो डियर फ्रेंड्स इस बार आपकी हर एक चीज को, नंबर ऑफ फॉर्म्स, मतलब कि आपके फॉर्म कितने डले हैं, आपकी सीट की संख्या, आपका पेपर का लेवल और आपके कमेंट्स, इन सभी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों इस बार का आपका कट ऑफ बिल्कुल संभावना है 101% है संभावना, कितना जा सकता है वो जा सकता है डियर फ्रेंड्स, यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं 31 से लेकर कितने 32 के बीच। जी दोस्तों यदि आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप टेंशन मुक्त हो जाएं, आपका है स्कोर बेहद अच्छा स्कोर है, आप क्वालिफाई कर जाएंगे आपके एग्जाम को। इतने नंबर यदि आपके आ रहे हैं, क्योंकि आपने भी देखा है आपके पेपर का लेवल कैसा आया, चाह कुछ और था बट कुछ और ही आया, आपके क्वेश्चन किसी किसी से तो बिल्कुल बने ही नहीं, जैसे घुमा घुमा के दिए थे आपको भी पता होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेट की तरफ। तो डियर फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे कट ऑफ की श्रेणी में नंबर आता है किसका, एमपी का, जी दोस्तों जिसकी कैपिटल है भोपाल। तो डियर फ्रेंड्स आपको बता दें यदि आपके मार्क्स लास्ट ईयर में तो कितने आए थे दोस्तों, कितने पे गया था आपका कट ऑफ, 25.50। जी दोस्तों आप सभी को पता होगा यदि आपने एग्जाम दिया था तो आप लोगों का फाइनल कट ऑफ गया था कितना, 25.50। और दोस्तों इस बार आपके हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए, आपके पेपर का लेवल, आपके कमेंट्स, कितने बच्चों ने गेन किए हैं, एंड आपके नंबर्स ऑफ फॉर्म्स और सीट की संख्या, तो डिफरेंस आपको बता दें आपके मार्क्स यदि एमपी में आ रहे हैं कितने, 28 से लेकर 29 के बीच। जी दोस्तों यदि आप इतने मार्क्स ला रहे हैं तो आप भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, यह एक बेहद अच्छा स्कोर है दोस्तों, इतने नंबर लाना भी हंसी खेल नहीं है, अच्छे अच्छों के पसीने आ रहे हैं। जी डियर फ्रेंड्स तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेट पर जिसका नाम है वो देख लीजिए। तो डियर फ्रेंड्स कट ऑफ की श्रेणी में अगला नाम निकल के आता है आपके स्टेट महाराष्ट्र का, जी डिफेंस जिसकी कैपिटल है मुंबई। तो दोस्तों आपको बता दें महाराष्ट्र में लास्ट ईयर का कट ऑफ गया था
बहुत कम, कितना? 19.50। दोस्तों 19.50, यदि आपने पेपर दिया होगा तो आपको अच्छे से पता होगा। और डियर फ्रेंड्स, इस बार कट ऑफ क्या जा सकता है, क्या है संभावना? तो दोस्तों आपको बता दें, आपके पेपर का लेवल, नंबर ऑफ फॉर्म्स और आपके कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आपका इस बार का कट ऑफ, यदि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, 22 से लेकर 23 के बीच, तो दोस्तों विश्वास मानिए आपका यह स्कोर गुड स्कोर है। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता आपके इन मार्क्स को देखते हुए महाराष्ट्र में। जी दोस्तों, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेट पर। और हाँ जी फ्रेंड्स, यदि आप वीडियो देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो उसको अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर पल पल की अपडेट दी जाती है हर एक एग्जाम की। तो डियर फ्रेंड्स, कट ऑफ की श्रेणी में नाम निकल के आता है आपके यूपी का। तो दोस्तों आपको पता होगा, यदि आपने फॉर्म डाला होगा और पेपर दिया होगा, तो लास्ट टाइम का आपका कट ऑफ गया था यूपी वालों का 29.50, मतलब कि 29.50। और दोस्तों इस बार आपके पेपर का लेवल देखते हुए, आपके कमेंट को देखते हुए, नंबर ऑफ फॉर्म्स को देखते हुए, हम कह सकते हैं यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं कितने, 31 से लेकर 32 तक, तो दोस्तों भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका यह स्कोर अच्छा स्कोर है, गुड स्कोर है। जी दोस्तों, क्योंकि इतने नंबर लाना भी आपके पेपर में हंसी खेल नहीं है, क्योंकि आपके पेपर का लेवल आपने देखा है, पसीने छूट रहे थे लोगों के नंबर गेन करने में। तो डियर फ्रेंड्स, आप बिल्कुल निष्फिक्र हो जाएं, आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कट ऑफ की श्रेणी में नाम निकल के आता है आपके स्टेट सिक्किम का। डियर फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होगा, यदि आपने फॉर्म डाला होगा लास्ट टाइम, तो आपके सिक्किम का कट ऑफ ऑल स्टेट में सबसे कम गया था। जी दोस्तों, आपको बता दें आपके सिक्किम राज्य का कट ऑफ गया था कितना, ये आपको बता दें, वो गया था डियर फ्रेंड्स 13.50, मतलब कि 13.50। और दोस्तों इस बार आपके पेपर का लेवल देखते हुए, आपके कमेंट्स को देखते हुए और नंबर ऑफ फॉर्म्स को देखते हुए, दोस्तों हम कह सकते हैं यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं 16.17 के समथिंग, या फिर हम 16.30। सॉरी डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे 30 पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगी आपके 60 से लेकर 70 के अराउंड, इतने मार्क्स बन रहे हैं आपके, तो आप बिल्कुल निष्फिक्र हो जाइए। जी दोस्तों, आपका है एक स्कोर गुड स्कोर है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। आपके 16 से लेकर 17 नंबर भी आ रहे हैं, तो आप भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार आपका 13.50 गया था, तो इस बार 16-17 नंबर गोल्ड स्कोर है, आपके स्टेट को देखते हुए, आपके पेपर को देखते हुए और हर एक चीज़ को देखते हुए। तो डियर फ्रेंड्स, ये तो था कट ऑफ, जो कि मैंने टॉप 5 स्टेट को कवर किया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपके रिजल्ट के ऊपर, कि आखिरकार आपका रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों आपको पता होगा, आप लोग देखते हैं हर बार कि जैसे ही आप लोगों के पेपर खत्म होते हैं और आपका रिजल्ट 15 से लेकर 20 दिन के बीच आपको देखने को मिल जाता है, और अब तो आपके एग्जाम ऑनलाइन हो चुके हैं, तो अब और जल्दी, मतलब कि अब आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है 10 से लेकर 11 अक्टूबर के समथिंग समथिंग। तो अब आप रिजल्ट की चिंता छोड़ दें, मतलब कि आपको 10 से लेकर 11 तारीख के समथिंग समथिंग दिख जाएगा अक्टूबर में। लेकिन डियर फ्रेंड्स, यदि आपके मन में कोई कमेंट्स हो तो आप कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में 5 स्टेट को लेकर।